हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग बताते हैं फोटो एडिटिंग करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये मेरा फोटो एडिटिंग करा हुआ है। इसी तरह के फ़ोटो आप लोग का बताएंगे एडिट करने के लिए। देखिए हमारा फ़ोटो, ये हमारा फ़ोटो दोस्तों, इतना ख़राब शूट हुआ फ़ोटो दोस्तों। ये मेरा फ़ोटो, ज़्यादा बड़ा आईफोन नहीं है कि शूट किए हैं, एकदम पुराना से पुराना मेरा फ़ोन है दोस्तों, वही फ़ोन से शूट किए हैं ये फ़ोटो। देखिए इतना ख़राब फ़ोटो है कि यही फ़ोटो का एडिट करके HD से HD फोटो कर देंगे दोस्तों। हमारा फ़ोन है वीवो i83, पुराना से पुराना सेट है दोस्तों। चलिए देखिए, इस तरह के फ़ोटो एडिटिंग आपको काज करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग प्ले स्टोर से आप लोग स्नैपसीड वो ऐप्स लोड कर लीजिएगा। देखिए ये वाला दोस्तों, जाने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन में जाइए। जाने के बाद दोस्तों देखिए प्लस का आइकन है, प्लस का आइकन दोस्तों, इस पर जाने के बाद दोस्तों दम आप लोग का आराम आराम से बताएंगे दोस्तों कि आप लोग एडिट कर सकें। देखिए हमारा फ़ोटो है, ये हमारा फ़ोटो है दोस्तों, इसको देखिए ठीक से बताते हैं। इधर हम नीचे में देखिए दोस्तों, टूल्स का ऑप्शन है। टूल्स का ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों 10 mm से इसमें से हेडलाइट बढ़ा लेंगे। लाइट देखिए दोस्तों, अपना लाइट बढ़ा लिए। बढ़ाने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में डन का ऑप्शन है, डन का ऑप्शन करते हैं। डन करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से फ़ोटो का शेयर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों नीचे में फेक्स का ऑप्शन है, देखिए एक्सपोर्ट्स का ऑप्शन है। इस पर जाने के बाद दोस्तों हम शेयर कर लेते हैं फ़ोटो का। एकदम आसान तरीके से आप लोग बताएंगे दोस्तों। देखिए मैं शेयर कर लिया स्केच बुक में। ये अल्फी एप्लीकेशन आप लोग पास नहीं होगा तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए कैसे स्केच बुक में जाने के बाद दोस्तों देखिए हम आप लोग एकदम इस विधि से कोई नहीं बताएगा दोस्तों यूट्यूब पर। चलिए हम आप लोग एकदम आसान तरीके से बता दें। देखिए फ़ोटो हमारा आगे दोस्तों, एक बार देखिए ऊपर में पिल्सिंग का आइकन है दोस्तों। ऊपर में देखिए पिल्सिंग का आइकन है, पिल्सिंग के आइकन पर जाने के बाद दोस्तों एक ब्रश यूज कर लेंगे। देखिए जैसे हमारा ये ब्रश है दोस्तों, ये ब्रश का यूज कर लीजिएगा। करने के बाद दोस्तों देखिए हम सेटिंग आप लोग को बताते हैं, सेटिंग आप लोग को बता देते हैं दोस्तों। हमारा आराम से बताएंगे कि आप लोग, हमको ये नहीं रहता कि कोई वीडियो देखे वो फोटो एडिटिंग करने के लिए नहीं सीखे। सेटिंग पे जाने के बाद दोस्तों देखिए ये यही अति क्या रखिएगा दोस्तों, स्क्रीन शॉट में तो मार लीजिए दोस्तों। फलाव की 4 रखिएगा, यही सेटिंग रखिएगा। टारगेट के 17 रखिएगा, साइज के अपना साइज से कर सकते हैं। ये साइज में रहा, देखिए इसको दिखा लेते हैं दोस्तों। अब फोटो का जूम करके देखिए आप लोग की स्मूथ करके दिखा देते हैं फ़ोटो। इतना ख़राब दोस्तों फ़ोटो का, देखिए हमारा फ़ोटो स्मूथ हो रहा। देखिए हम कर लेते हैं फ़ोटो दोस्तों, एकदम आराम आराम से कीजिएगा दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है, समझे दोस्तों। इसी तरह से फ़ोटो पहले अपना स्मूथ कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग भी एकदम आराम आराम से स्मूथ कीजिएगा। जैसे हम देखिए जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों वीडियो में, एकदम आराम आराम से कीजिएगा दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप लोग का एडिट करना एकदम आ जाएगा दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, खाली वीडियो स्किप मत कीजिएगा। एकदम इसी तरह से आप लोग एकदम स्मूथ कीजिएगा दोस्तों। देखिए हमारे फ़ोटो का क्वालिटी, देखिए स्मूथ मेरा फ़ोटो हो चुका है दोस्तों। इसी तरह से आप लोग स्मूथ करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ से फिर फ़ोटो शेयर करते हैं। हमारा फ़ोटो स्मूथ हो चुका है दोस्तों। फिर यहाँ से देखिए दोस्तों साइड में देखिए ऑप्शन है, इस पर जाने के बाद दोस्तों देखिए हम शेयर करते हैं फ़ोटो। शेयर का ऑप्शन है, शेयर पर जाने के बाद दोस्तों हमारा फ़ोटो शेयर कर देते हैं पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड चेंज करेंगे दोस्तों और हेयर को बनाएंगे। देखिए दोस्तों और इसी वीडियो में साइड के भी एडिटिंग करेंगे कि साइड का कलर कैसे चेंज करें। देखिए दोस्तों इसी में बताते हैं पिक्सआर्ट के। देखिए हमारा ये वाला भी आप लोग पास एप्लीकेशन नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हम पिक्सआर्ट में कर देते हैं शेयर करने के बाद, देखिए दोस्तों हमारा फ़ोटो आ चुका है दोस्तों। देखिए इसी बात एक बैकग्राउंड ले लेते हैं दोस्तों, यही से देखिए ऐड फोटो का ऑप्शन है नीचे में, देखिए बताते हैं ऐड फोटो का एप्लीकेशन है। इसी ऐड फोटो पर जाने के बाद दोस्तों देखिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। देखिए हमारा बैकग्राउंड दोस्तों, बैकग्राउंड भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हमारा ये बैकग्राउंड है दोस्तों, इसको ऐड कर लेते हैं। करने के बाद दोस्तों हम देखिए इसको ठीक बढ़ा लेते हैं दोस्तों। देखिए रखने के बाद दोस्तों बैकग्राउंड को साइज को बढ़ाते हैं। करने के बाद दोस्तों
देखिए दोस्तों, हमारा यही बैकग्राउंड है। यहाँ से फिर ऐड फोटो पर जाते हैं दोस्तों। देखिए हम यहाँ से फिर ऐड फोटो पर जाते हैं दोस्तों। देखिए ऐड फोटो पर जाने के बाद दोस्तों फिर से अपना फोटो जैसे मत किए हैं वो फोटो को कुछ कर लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों अपना फ़ोटो का बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। बड़ा करने के बाद दोस्तों देखिए नीचे में, देखिए दोस्तों करने के बाद दोस्तों यहाँ से ऊपर में देखिए, नीचे में देखिए फ्लिप रिपीट है क्या ऑप्शन है। देखिए नीचे में यहाँ करने के बाद दोस्तों फ़ोटो का पलट दें दोस्तों, इधर से इधर कर दें दोस्तों। करने के बाद दोस्तों जूम करके देखिए ऊपर में एक पिलसिंग का आइकन है। देखिए ऊपर में पिलसिंग का आइकन है दोस्तों। यहाँ में देखिए पिलसिंग के आइकन पर जाने के बाद दोस्तों अपना बैकग्राउंड को देखिए किस तरह से हटाएंगे दोस्तों। देखिए साइज को कर लेते हैं हमारा बैकग्राउंड के, आराम आराम से कीजिएगा दोस्तों अपना, खाली हेड को रहने दीजिएगा। देखिए इसी तरह से आप लोग भी आराम आराम से कीजिएगा बैकग्राउंड को। देखिए हम कर लेते हैं इसे दोस्तों, इसी तरह से आप लोग भी कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए जैसे हम कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो फास्ट करते हैं हम हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह से। देखिए दोस्तों आप भी इसी तरह से बैकग्राउंड हटा लीजिएगा, हमारा आराम से हटाइएगा बैकग्राउंड को, खाली मिटाइएगा दोस्तों। देखिए हमारा बैकग्राउंड, देखिए हमारा बैकग्राउंड हट चुका है। यहाँ स्कैन कर डन करने के बाद दोस्तों फोटो को बिठा लेते हैं। करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ से ऊपर पे डन कर देते हैं। करने के बाद दोस्तों